शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। कोरोना संकट के चलते देश की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया था। अब इस आर्थिक पैकेज में किसे क्या फायदा मिलेगा, इसको लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये बताया गया कि इस पैकेज में किस वर्ग के लिए क्या है। पहले दिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए राहत का ऐलान किया गया है, जिसमें पीएम मोदी के लोकल ब्रांड को ग्लोबल में बदलने के विजन को पूरा किया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने जिन 5 पिलर्स का जिक्र किया था, उन्हें ध्यान में रखकर ही आत्मनिर्भर पैकेज तैयार किया गया है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा है कि डिमांड और सप्लाई चेन में कोऑर्डिनेशन पर फोकस किया गया है। हमारा सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग, कुटीर उद्योग है, गृह उद्योग है, इन सबका एक बहुत महत्व है। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये रोजगार देते हैं। तो ऐसे कारोबार और व्यापार करने वाले, विशेष तौर पर एमएसएमई सेक्टर जो है, इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेट्रल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी और पहले 12 महीने यानी कि पहला 1 वर्ष उनको प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इनके मूलधन का चुकाना नहीं पड़ेगा, मूलधन को नहीं चुकाना पड़ेगा और 12 महीने की इस पे छूट रहेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज के ऐलान के दौरान कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे दी है। सरकार ने संस्थाओं और कर्मचारियों के लिए अगले 3 महीने तक ईपीएफ योगदान 12% से घटाकर 10% कर दिया है। हालांकि सरकार कंपनियों के लिए ये 12% ही रहेगा, सरकारी जो कंपनी है उनके लिए पहले की तरह 12% रहने वाला है। इससे 6,750 करोड़ का लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगा। इस ऐलान से ईपीएफ में कवर होने वाली लगभग 6.5 लाख कंपनियों और 4.3 करोड़ कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। यह स्कीम उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो पीएम गरीब कल्याण पैकेज और उसके विस्तार के तहत 24% का ईपीएफ सपोर्ट नहीं ले रहे हैं। इसका मकसद कर्मचारियों की घर ले जाने वाली सैलरी को बढ़ाना है, साथ ही नियोक्ताओं को पीएफ बकाया के भुगतान के मोर्चे पर राहत देना है। कई सेक्टर्स के लिए वित्त मंत्री के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये पैकेज छोटे उद्योगों को गति देने वाला है, इससे हमारे छोटे उद्योगों को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सबकी चिंता करते हैं, लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कई अहम फैसले किए हैं। लघु और मध्यम उद्योगों को एक नई ताकत मिलेगी, ई मार्केट से एमएसई जुड़ेगी तो स्वदेशी एवं अन्य प्रोडक्ट को बढ़ावा मिलेगा, मेडिकल उपकरण, फार्मा उपकरण के निर्माण में अप्रत्याशित वृद्धि आई है, इसका लाभ हम उठा सकेंगे। और जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश देश का दिल है, बीचों बीच स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश को निश्चित तौर पर बहुत लाभ मिलेगा। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के ऐलान पर पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव ने कहा कि इससे देश की आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। लॉकडाउन पर भी उन्होंने अपने विचार रखे हैं। यदि हम समग्र रूप से देखें तो परिवहन की, आवागमन की, ये सब कुछ शर्तें लगा के इसमें छूट का प्रावधान कर रहे हैं। इसके अलावा दुकानों को खोलने के लिए जो हमारे व्यापारिक संस्थान हैं, छोटे व्यापारिक संस्थान हैं, शॉपिंग मॉल वगैरह जो हैं उनको छोड़ के यदि, तो
मैं मान के चलता हूँ कि अब सुबह 6 बजे से रात्रि के 12 बजे तक ये सारी की सारी सुविधाएं जो रेड एरिया है उसको छोड़ के बाकी सभी ग्रीन और ऑरेंज एरिया के लिए दी गई। प्रधानमंत्री जी ने जो कल अपने संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, एक प्रकार से मैं कहूँ कि भारत के जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनमें बूम लाने के लिए, उनमें उछाल लाने के लिए वो गतिविधियाँ पूर्व स्थिति से और ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ें, इसके लिए उन्होंने जो पैकेज घोषित किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आर्थिक पैकेज का जो ब्यौरा है वो पेश किया गया। कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए। पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आर्थिक पैकेज का जो ब्यौरा पेश किया गया है उसमें गरीबों, प्रवासी मजदूरों और मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। इन लोगों को सरकार ने असहाय छोड़ दिया है। वित्त मंत्री ने एमएसएमई इकाइयों के लिए कुछ सहयोग की घोषणा की है, लेकिन ये बड़े एमएसएमई इकाइयों के लिए है। मुझे लगता है कि 6 करोड़ 3 लाख एमएसएमई इकाइयों को छोड़ दिया गया है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वो देश के कमजोर वर्ग के 13 करोड़ लोगों के खातों में पैसे डालें। I assume when you say middle class, you are referring to the tax-paying middle class as well as the non-tax-paying middle class, which means people who have an income of about, say, 2.5-3 lakhs a year to about 10 lakhs a year. Now, for them, there's nothing. TDS has been reduced, but that's only a deferment of tax liability. It's a liquidity measure. It's not a fiscal measure. The date of filing has been extended. That is a regulatory measure. So apart from a couple of liquidity measures and regulatory measures, there is no fiscal support for the middle class. And I'm not surprised when the government is not willing to lend fiscal financial support to the poorest classes, including the migrant workers. How do you expect this government to provide fiscal financial support to the middle class? They have forgotten the poorest classes completely, and they are on the way to forgetting the middle class also. थैंक यू सर, विल मूव टू द नेक्स्ट वन। रमन फ्रॉम न्यूज 24, रमन जी पूछे। सर, आज कल प्राइम मिनिस्टर ने अपने देश के नाम संबोधन में बार बार ये कहा कि आत्मनिर्भर, मतलब भारत अपने पैरों पर कैसे खड़े हो। आज और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया निर्मला सीतारमन ने। लेकिन जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं या जो किसान हैं उनको बिना मदद किए हुए क्या ये संभव है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बंसल न्यूज के जरिए किसानों से अपील की है कि वो चिंता बिल्कुल भी ना करें। किसानों की फसल का एक एक दाना सरकार खरीदेगी। बंसल न्यूज से खास बातचीत में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले, इसके लिए सरकार ने कई सारे विकल्प किसानों को दिए हैं। सुनिए। किसान भाइयों और बहनों, बंसल न्यूज के माध्यम से मैं आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल चिंता मत करना। मैंने पहले ही कहा था कि गेहूं का एक एक दाना खरीदेंगे और लगातार इस बार, कल ही 70 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं हम खरीद चुके हैं। जितना होगा खरीदेंगे, किसान को ठीक समय पे पैसा मिल जाए उसकी इंतजाम करेंगे ताकि अन्नदाता को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। बाकी चीज़ें भी हमने खरीदने की व्यवस्था की, लेकिन एक व्यवस्था हम और कर रहे हैं जी, और वो व्यवस्था ये है कि अभी तक किसान या तो समर्थन मूल्य पर बेचता था या मंडी में बेचता था। मंडियाँ चलेंगी, मंडी बंद नहीं होंगी, लेकिन किसान अगर अपने अनाज को घर पे बेचना चाहता है और कोई व्यापारी से उसका सौदा पड़ता है तो वो अपने घर पे भी अपने अनाज को बेच सकता है, फल सब्जी खेत पे भी बेच सकता है, घर पे भी बेच सकता है। अगर कोई प्राइवेट मंडी खोलना चाहे तो हम उनको भी अनुमति देंगे, प्राइवेट मंडी खोल के किसान को ठीक दाम दे, प्रतिस्पर्धा बढ़ने देना जी। जितनी ज़्यादा मंडी खुलेगी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, किसान को ठीक दाम मिलेगा। अगर कोई एक्सपोर्टर किसान से खरीदना चाहता है तो एक्सपोर्टर खरीद के एक्सपोर्ट कर दे, अगर कोई फूड प्रोसेसर खरीदना चाहता है तो वो उससे खरीद के अपनी फैक्ट्री में ले जाए और फूड प्रोसेसिंग के काम में लगे। तो किसान को हमने कई विकल्प दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लॉकडाउन चरण 4 को लेकर मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा कि संक्रमित इलाकों को छोड़कर बाकी शहरों को खोलने के सुझाव आए हैं, फीवर क्लिनिक खोलने के भी सुझाव आए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने आगे ये भी बताया कि कलेक्टर्स ने भी मीटिंग में कई सुझाव दिए हैं, कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर रेड जोन भी खोले जा सकते हैं। एक सुझाव ये भी था कि फीवर क्लिनिक खोल दिए जाए। अब उपाय इसका ये है कि हम जो जा किया खोद खोद के जांच करते हैं, ढूंढते हैं, लोगों को भी पता हो कि ये फीवर क्लिनिक है और उनको अंदर अगर जुकाम खांसी जैसे कोई सिम्टम उनको स्वयं को भी महसूस होते हैं, भले हमारी टीम न पहुंची हो तो वो पहुंच जाए। अभी समानांतर दोनों चीजें हम बढ़ाना चाहते हैं कि वो स्वयं भी आ जाए। अलग अलग सुझाव जनप्रतिनिधियों के आज आए थे, सुबह अधिकांश जिलों में बात हुई। उनका कहना है कि रेड जोन जो है उनमें भी जो एरिया कंटेनमेंट एरिया है उनको बफर करके वहीं तक रखें, बाकी सारा शहर खोलना चाहिए। जैसे भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में किसी एक निश्चित स्थान से ज़्यादा केस जहां से आ रहे हैं उन स्थानों पर पूरी चिंता करें, सुरक्षा करें, आवश्यक संसाधन मुहैया कराएं, लेकिन बाकी शहर को खोलें। जो सुझाव लगभग आम राय से आया था वैसा माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, वो प्रधानमंत्री जी को देंगे। इधर स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अल्पमत में आने के बाद से कमलनाथ सरकार के आखिरी 6 महीनों के फैसलों की समीक्षा होगी, कल से समीक्षा शुरू की जाएगी। समीक्षा के लिए मंत्रियों की कमेटी भी बनाई गई है। समूह का गठन किया है और कल 11 बजे हमने पहली बैठक रखी है। एक तो राजस्व से होने वाली आय के संबंध में ये मंत्री समूह उससे बढ़ाने के लिए, प्राप्ति के लिए कहाँ व्यवधान आ गए कहाँ है, और एक दूसरा विषय जो मैंने आपको बताया कि राज्यपाल ने कह दिया कि सरकार अल्पमत में और किए जा रहे थे फैसले, ऐसे 6 महीनों के फैसले इस तरह के जो होंगे उनकी समीक्षा करें। बंसल न्यूज से बातचीत में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। सीएम शिवराज ने राज्यपाल से मुलाकात की और माना यह जा रहा है कि विस्तार को अंतिम रूप दिया गया है, साथ ही नए चेहरे भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट, शिवराज के मूवमेंट ने फिर बढ़ाई हलचल, संघ से लिया मार्गदर्शन, फिर राज्यपाल से मुलाकात। मध्य प्रदेश में मंत्री पद की चाह रखने वाले नेताओं के लिए अच्छी खबर हो सकती है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बंसल न्यूज से खास बातचीत में साफ कर दिया है कि लॉकडाउन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अभी हम लॉकडाउन की पूरी तैयारी कर रहे हैं, जो अगला स्वरूप होगा वो कैसा होगा उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। मीडिया के मित्रों से आज के बजाय मैं कल जुड़ रहा हूँ ताकि मैं उनसे भी उनके सुझाव ले सकूं। थोड़ा सा समय में परिवर्तन हुआ है लेकिन कल मैं उनसे भी बात करूंगा और सबसे चर्चा करके हम आगे का रोड मैप तय करेंगे मध्य प्रदेश का। और राज्यपाल जी से मैंने सुझाव मांगे कि लॉकडाउन के बारे में आपके क्या विचार हैं। मुख्य रूप से मैं इसलिए गया था, लेकिन इस लॉकडाउन के बाद जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हम करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संकेत के बाद नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। मंत्रिपद की दौड़ में शामिल नेताओं ने संपर्क भी साधना शुरू कर दिया है। इसी बीच इमरती देवी का बयान महत्वपूर्ण हो जाता है कि सिंधिया समर्थकों को मंत्रिपद से नवाजा जा सकता है। हालांकि बंसल न्यूज से बातचीत में उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी तो प्रद्युमन सिंह तोमर ने भी कहा कि ये सीएम का विशेष अधिकार है। ये बात कौन कर रहा, ये बात कांग्रेस के लोग कर रहे, उन्हें पता नहीं कहा जल्दी पड़ी, जब हमें जल्दी नहीं तो उन्हें कहा की जल्दी है, बीमारी है, महामारी है, जान है तो जान है, इतनी जल्दी उन्हें क्यों भड़बड़ाहट है। बना लेंगे सरकार, बन जाएंगे सब मंत्री,
अगर कोरोना नहीं फैलता तो वो तो जब ही बन जाते, जब फार्म डरे 10 दिन बाद ही बन जाते, लेकिन कम से कम जीवन तो देखे लोगों को। देखो मेरा ये कहना है, ये निर्णय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, वो उनको लेना है, जो भी वो निर्णय लेंगे पूरी पार्टी उनके साथ। मुख्यमंत्री के संकेत के बाद मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, इसको लेकर भी तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। ये भी चर्चा है कि कई सीनियर लीडर्स को विश्राम दिया जाएगा, जबकि नए चेहरों को मौका मिल सकता है। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए अब कोरोना संक्रमण किस तरह से इंदौर में कहर बरपा रहा है, इससे जुड़ी एक खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कोरोना संक्रमित 131 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या इंदौर में 2200 के पार हो गई है। एक और पॉजिटिव मरीज की मौत की पुष्टि हुई है। इसी के साथ जिले में 96 मरीजों की जान चली गई है कोरोना संक्रमण की वजह से। तो वहीं दूसरी तरफ 1000 से ज्यादा ऐसे मरीज भी हैं जो ठीक होकर अपने घरों को लौटे हैं। लेकिन इस वक्त इंदौर से डरावना आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर संख्या 2200 के पार हो गई है। 131 नए पॉजिटिव मरीज एक बार फिर से सामने आए हैं और ये मई के महीने में एक बड़ा उछाल दिखाता हुआ आंकड़ा इंदौर में। पीयूष पारे हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। पीयूष, मई के महीने में लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और ये सबसे बड़ा उछाल अब तक जितने भी आंकड़े सामने आए हैं, 131 नए मरीज। देखिए बिल्कुल, मई के महीने में सबसे बड़ा आंकड़ा यहाँ पर रोमिता सामने आया है और इसी के साथ तो कहा जा सकता है कि इंदौर में ये कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 131 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और जो कुल आंकड़ा है वो 2238 पहुंच गया है। इसके साथ ही एक और मरीज की मौत की पुष्टि भी हुई है और 96 लोग ऐसे हैं जो अब तक अपनी जान यहाँ पर गंवा चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाले आंकड़े, और जिस तरीके से इंदौर में लगातार ये कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस के इन बढ़ते आंकड़ों पर कंट्रोल होगा, लेकिन उसके बावजूद भी नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद में कहा जा सकता है कि संकट है इंदौर के सामने। अगर कुल अगर सैंपलों की बात की जाए तो 1422 यहाँ पर इनके सैंपल थे जिनकी रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई है, और जो संक्रमण दर है यानी कि जो रेट है वह भी बढ़कर यहाँ पर 9.21 पर पहुंच गया है, जो काफी चिंताजनक है। यानी कि पिछले दिनों हमने देखा था कि यही दर 3-5% पर थी और अब ये दर बढ़कर 9% पर पहुंच गई है, जो काफी चिंताजनक है। रोमिता, चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इंदौर में हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इस पर किस तरह से लगाम लगाई जाए इसको लेकर भी विचार हो रहा है। और देखिए हमारे प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जहां से कुछ राहत वाली खबरें जरूर आ रही हैं। ग्वालियर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक अब बाजार खुलेगा। व्यापारिक संगठनों की मांग पर शर्तों के साथ परमिशन दी गई है। सब्जी दुकानें, किराना, दूध और मेडिकल स्टोर्स भी खुले रहेंगे। आपको बता दें कि रेड जोन में ग्वालियर इस वक्त शामिल है, लेकिन कुछ रिलैक्सेशन यहां पर दिया गया है क्योंकि जरूरी सेवाएं भी लोगों तक पहुंचाना इस वक्त प्रशासन और सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है, और इसलिए सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक बाजारों को खोलने का फैसला लिया गया है। चलिए सीधे हम ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता प्रहलाद सेन लाइव जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, ग्वालियर क्योंकि रेड जोन में है तो वो तमाम गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी जो गृह मंत्रालय की तरफ से बताई गई है, लेकिन लोग भी ऐसे में परेशान ना हो इसलिए प्रशासन अब ढील देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपके पीछे मैं कुछ ज्यादा ही भीड़ देख रही हूँ, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, जिस तरीके से ग्वालियर रेड जोन में शामिल है, कुल एक्टिव केसों की संख्या अगर बात की जाए यहाँ तो जो पॉजिटिव केस हैं वो 26 पहुंच चुके हैं, और ये इस वक्त हम खड़े हुए हैं महाराज बाड़ा इलाके में। आप देख सकते हैं वो पीछे की जो तस्वीर देख रहे हैं, ये वो मजदूर हैं जो दिहाड़ी करके अपने घर का गुजर बसर करते हैं। कई दिनों से जब बाजार नहीं खुल रहा था और इन्हें आने की अनुमति नहीं थी तो ये लोग आते थे लेकिन वापस लौट जाया करते थे क्योंकि पुलिस यहाँ तैनात रहती थी, लेकिन अभी पुलिस नहीं है तो ये दिहाड़ी के लिए आए हैं और सैकड़ों की संख्या में ये होंगे। कमोवेश यही स्थिति बाजार की है। सुबह 8 बजे से खुलना था लेकिन उससे पहले ही बाजार में चहल पहल देखी जा रही है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो पीछे की एक तस्वीर दिखाएं कि कैसे जो फुटपाथ पर दुकान जमाते थे, चाहे वो फूल की दुकान हो, चाहे वो पान की दुकान हो या चाय वाले, तमाम सारे फुटपाथ पर कारोबार करने वाले छोटे छोटे से जो
दुकानदार होते हैं वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं, किराने की दुकानें खुली हैं, सब्जी मंडियों में भी काफ़ी भीड़ उमड़ रही है। तो इस तरीके से लगातार जो है बाजारों को रियायत दी जा रही है। व्यापारियों के तमाम सारे जो संगठन थे उनसे चर्चा हुई है, उन्होंने मांग की थी कि दुकानों में सामान भरा पड़ा है, ऐसे में नुकसान की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद कलेक्टर ने उन्हें शर्तों के साथ परमिशन दी है 3 दिन तक, यानी 14, 15 और 16 मई ये निर्धारित हैं, ये डेटें इनमें टाइम निर्धारित है। इसके तहत आज फुटवेयर और हार्डवेयर की दुकानें खुलेंगी, लेकिन वहाँ क्रय विक्रय नहीं होगा, सिर्फ दुकानों में साफ सफाई की जाएगी। और कल कपड़ा जो हौजरी आदि की जो शॉप है वहाँ पर स्टाफ वो भी संयमित मतलब कम स्टाफ के साथ आप साफ सफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक पूरा शेड्यूल तय किया गया है और उसी दौरान बाजार खोला जाएगा। मेडिकल स्टोरों को रियायत है, लेकिन उसमें भी निर्धारित समय जिस तरह से आप बता रहे हैं कि रियायतें दी जा रही हैं, ये बहुत जरूरी है कि आर्थिक गतिविधियों को भी शुरू किया जाए, क्योंकि वो भी कई दिनों से ठप पड़ी हुई हैं। लेकिन जिस तरह की तस्वीर हम देख रहे हैं उसके बाद क्या प्रशासन के सामने अब ये भी चैलेंजिंग होने वाला है कि जो रियायतों का समय है उसमें लोग इतनी बड़ी संख्या में तो घरों से ना निकले? हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती है और दिशा निर्देश भी जारी है, लेकिन यहाँ पालन होता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस मुस्तैद थी लेकिन अब मुस्तैदी वो कम हो गई है और सड़कों पर चहलकदमी ज़्यादा हो गई है। और जो जितने भी जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनमें अधिकतर पॉजिटिव केस निकल रहे हैं, तो ऐसे में अगर इस तरीके से बाजार में भीड़ बढ़ेगी तो परेशानी हो सकती है और संक्रमण का भी खतरा बढ़ सकता है। इस समय हमारे आसपास ही हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से लोग बिल्कुल बेधड़क के यहाँ बाजारों में मौजूद हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है और निकल आए हैं सुबह से। मुझे लगता नहीं है किसी को बहुत आवश्यक काम होगा, सिर्फ बाजारों में घूमने के लिए आए हैं। जिन्हें आवश्यक काम है वो जरूर खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर, बाद बाकी अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जो थोड़ी सी रियायत मिलने के बाद घरों से बाहर निकल आए। तो ये चैलेंज और ये चुनौती प्रशासन के लिए है, पुलिस को भी उसी तरीके से मुस्तैद रहना पड़ेगा जिस तरीके से पहले थी। तो यहाँ पर जो ढील है उसका फायदा भी लोग उठा रहे हैं, तो ये बड़ी परेशानी हो सकती है। ग्वालियर रेड जोन में शामिल है और तमाम सारी जो गाइडलाइन है उसका पालन होना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात आप कह रहे हैं प्रहलाद, जरूरी है कि रिलैक्सेशन अगर मिला है तो उसका गलत फायदा ना उठाया जाए, वरना संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि अगर 2 गज की दूरी घटती है तो संकट और बढ़ जाएगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश में लगातार बहुत डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, रोज नए मामलों की जो पुष्टि हो रही है वो 100 का आंकड़ा पार कर रहा है। एक बार फिर से 187 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर इस वक्त रेड हॉटस्पॉट जोन बनकर सामने आ रहे हैं। इंदौर में 91 नए मामले सामने आए हैं, भोपाल में 54 मामले सामने आए, तो वहीं जबलपुर में 10 नए मरीजों की पुष्टि हो गई है और इसी के साथ कुल 7 लोगों की जान गई है। ये 24 घंटे का आंकड़ा है। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक अब प्रदेश में जो आंकड़ा मौजूद है पॉजिटिव मरीजों का वो 4173 तक पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में 232 लोगों की जान जानलेवा वायरस ने ले ली है। भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को कोरोना कोविड 19 कंट्रोल रूम बने 50 दिन पूरे हो गए हैं। 24 मार्च लॉकडाउन लगाया गया था और उसके बाद से ही वॉर रूम यहां पर बना दिया गया था। इस दौरान कंट्रोल रूम से शहर के 50,000 लोगों को मदद दी गई है। सबसे ज्यादा सहायता के रूप में 36,000 लोगों को घरों पर राशन भी उपलब्ध कराया गया है। करीब 1,000 लोगों को दवाएं पहुंचाई गई हैं। स्मार्ट सिटी वॉर रूम में जिला प्रशासन, नगर पालिका निगम, स्मार्ट सिटी, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। कंट्रोल रूम से 50 दिनों के दौरान 3200 लोगों को मनोवैज्ञानिक काउंसिल भी किया गया है। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कंपनी के सीईओ का कहना है कि महामारी के खिलाफ ये जंग जारी है और इसे जरूर जीतेंगे। कोरोना वायरस के कारण जनित कोविड-19 की समस्या से निजात पाने के लिए भोपाल स्मार्ट सिटी के कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो पिछले
50 दिनों से 24/7 काम कर रहा है। इस दौरान 36,000 से ज़्यादा कॉल प्राप्त हुए जिन्हें राशन या कोई अन्य सामग्री चाहिए थी उसे उपलब्ध कराया गया। लगभग 4,000 लोग जो प्रदेश के अंदर किसी इमरजेंसी के कारण ट्रैवल करना चाहते थे उनको पासेज उपलब्ध कराए गए। 3,000 से अधिक व्यक्ति जो किसी परेशानी में थे या डिप्रेशन का शिकार थे उनको मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई गई है। अभी भी स्मार्ट सिटी में स्थापित एक कंट्रोल रूम 24/7 कार्य कर रहा है और COVID-19 से जो हमारा युद्ध है उसमें स्मार्ट सिटी मिशन भोपाल का कार्यालय पूरे दिन रात लगा हुआ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शहरवासियों के सहयोग से हम इसमें विजय प्राप्त करेंगे। गुना से खबर मिल रही है जहां पर सड़क हादसे में 8 मजदूरों की जान चली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर गुना से मिल रही है। हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। दरअसल यहां पर हादसा कंटेनर और यात्री बस में भिड़ंत की वजह से हुआ है। पंकज हमारे साथ हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। पंकज, कैसे हुआ ये हादसा? मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुना जो बाईपास है हाईवे पर करीबन एक ट्रक और बस की भिड़ंत हुई है जिसमें 8 मजदूरों की मौत हो गई है और अभी करीबन 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये बस जो हादसा हुआ है बस और ट्रक की भिड़ंत कहीं ना कहीं आपसी गलतफहमी में हुई है क्योंकि ये जो टर्न था उस टर्न पे अचानक ट्रक और बस आपस में टकरा गए जिसमें महाराष्ट्र से यूपी जा रहे करीबन 8 मजदूरों की मौत हो गई और 40 मजदूर घायल हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।